ऐसे करते फिर तो तहीं दिन डालवा दो तो सलाह खिलौना हम जला एफसी इलाहाबाद पाकुड़ और एफसी मुन्मो ब्रदर पाकुड़ मनार के पाकुड़ टीम बेटकानों के तलर बेटे हमासान मैच और इलाहाबाद टीम से कौन बाबार गुटे विदेशी खिलाड़ी और नोडल जलकान मुन्मो ब्रदर पाकुड़ टीम से को नके देसी कड़ी बेटकान कोटे का साथ यहां किंगा बिसल के साथ मैच स्टार्ट हो चुका है आज दिन का ये सेकंड मुकाबला स्टार्ट होगा तो किसी बीच में किस्ता बोले पास निकालो ये मंगल के लिए और मैं जिस प्रकार से यहाँ जिक्र कर रहा था जिस प्रकार से यहाँ फर्स्ट लेवल पे जो खिलाड़ी का सिलेक्शन हुआ है इस एफसी मुन्मो ब्रदर पाकुड़ टीम की ओर से अनुप मुर्मो जैसे भर्ती है राम रणेश सबर से सकल किसको जैसे भर को प्रबोधन किसको जैसे भर सोलह भगत मुर्मो एक नवाई खड़ी जैसे भर एक हाँ जैसे भर 81 और मणि खसदर जैसे भर सोलह कमलेश मुर्मो जैसे भर 18 और देवास जैसे भर सोनिया ये एक अतिरिक्त गोलकीपर है पीछे बीच में गेंद को सरकार लिया है लेकिन बस ये गेंद को लेने का प्रयास 16 नंबर पे निवेश करी जैक्सन एक स्टार प्लेयर्स बेहतर भाई एक पास के लिए इस बार 14 नंबर पे निवेश खड़ी के लिए मोतीलाल ने एक लंबा पास कलदास पौड़िया को ढूंढ के निकाला है कलदास पौड़िया का बेहतर लपेट पास इसी बीच में 7 नंबर को खेला है इसी बीच में बेहतर मौका बनाने का प्रयास 7 नंबर क्या मौका बना पाएंगे लेकिन ये है वहां से मुख्य डिफेंडर गेंद को किसी भी हाल हाल में वहां से गेंद को निकाला जरूर एक सुंदर खेल बेको हेडर का प्रयास ये बार को मुझे किसी मूड में खड़ी बैठे लो सर कोई खड़ी पट्टी बेहतर हो एक लोड और मेरे कॉमेडियन हो बता दे कॉमेडियन हरा तो नीचे बता दो चला ऑडियंस को ले एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट कुछ ना का भी टेक ओके कला कौशल मिला जरूर बैंक का बाप बेच रहे जैसे जैसे हम सब एक हाल तक इतने से जैसे बाप बेच रहा हूं पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है जरूर अब बाप सब समय का एक महान मौज देख सकते लगभग 4 मिनट मैच हारी पर ठाकुर बल्ली बॉल से गोल का देखो जोगे लगे बैटर बॉल इस टाइप सा है टच लाइन पर बाहर है फ्री बॉल कलदास पांड्या के लिए प्रदर्शन हसी लसुन को खेल लिया है लसुन बेहतर एक पास कर लिया कलदास पांड्या के लिए मोतीलाल सर पौड़िया ने एक अच्छा पास कर दिया है इस बीच में लेकिन वहां बीत गए के कारण आखिरकार मिकाइल को खेल दिया है ये एक बेहतर खिलाड़ी है मिकाइल लेकिन इसी बीच में वहां मोतीलाल गेंद को लेने के बाद बीच में 23 रन बनाते हुए पास निकाला है 7 नंबर के क्षेत्र में 7 नंबर वहां से एक खेल को ड्रिबल करने के बाद मोतीलाल को ही ढूंढ के निकाला है पीछे बीच में अच्छा पास निकालने का प्रयास लेकिन वहां से नरेश इस बार मौका लेने का प्रयास कर रहा है लेकिन अनिल कुदु सर के ऊपर एक बेहतर डिसीजन यहाँ एक फुट बेस से सेकेंड हो गया निश्चित रूप से ये मैच जो है बहुत ही घमासान मुकाबला हम सबको देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा इस मुकाबले में और जैसे जैसे यहाँ समय बढ़ते जाएंगे तैसे तैसे ये मैच का रूपरेखा जो है ये बदलते जाएगा जरूर और भगत बाबू को खेला था वहां एक अनुभवी खड़ी भगत लेकिन इसी बीच में 23 रन बनाते हुए वहां 7 नंबर इलाहाबाद टीम अच्छा पास निकाला है सोनू इस्तांबुल को खेल दिया इस्तांबुल में वहां पे पास कलदास पौड़िया को खेल दिया इतना बेहतर खेल लगे इलाहाबाद टीम ने किसी भी खेल ये मार्बल के लेके को सका दिया है वहां गेंद को लेने का प्रयास लेकिन गेंद को ले लिया अपने कैप्टन किसी भी खेल लेकिन वहां गेंद को छेड़ने के बाद गिर जाएगी धीरे धीरे हर टच लाइन से बाहर
Jackson. Lekin gaya na pitch line se bahar. तो यहां से इस मुकाबले में जिस प्रकार से मैच को खेला है सुशील लाल कहना कहीं ये समर्थित संघ का जो मैच है अब धीरे धीरे यहां लय को पकड़ रहा है दोनों छोर के खिलाड़ी सुशील लाल और सरिकत का मंगल हवाएं तो हक समय किनार बनाती बड़ी मुश्किल गति देसी विदेशी प्लेयर्स को जैसे जाओ का इलाहाबाद टीम अनुपूर्ण अपोनेंट टीम को जेले को रखा है खास करके अरे और ब्रदर पाकुर टीम तो निश्चित रूप से नडक मैच का परिणाम का था जैसे जैसे वक्त हो ही दिया जैसे जैसे समय हो ही दिया निश्चित रूप से मैच का देखिए बेहतर परिणाम होने वाले हैं अब देखो एक शॉट ट्राई लेग है जिसके नंबर 16 देखो बन गए शॉट देखो ब्लॉक ना बन कर लिए क्रम देखिए यहां देखो मुर्मु ब्रदर पाकुल टीम देखो लेफ्ट विंगर उड़ी गई है जर्सी नंबर 11 लगी 11 नंबर रेड रहता है कहां जोगेन हेम्रम At the beginning of this match, I remember that one shot he was, he took one shot in first post, but that was not very powerful. That is why that the goalkeeper collected the ball easily. Once again, his speech after Samanantar Rizame, MC Murmu brother, Pakuti, वहाँ पर गेंद को चाल दिया है यहाँ. ये देखिए वहां पर क्या बेहतर बाबा वहां से बना सकते थे यहां एफसी मुर्मु ब्रदर पाकुर यहां पर मैं देख रहा हूं सुशील दा मुर्मु ब्रदर पाकुर यहां आपने जिस तरीके से पिछले मैच को मुझे याद करवाया
यहां जो टीम ज्यादा हावी हो रहे हैं मैच में उन्हीं टीम के ऊपर बीच बीच में कभी कभार जब कभी भी मौका मिलता है तो अचानक वो एक तगड़ा झटका जैसे एक चीता को अगर आप देखेंगे शिकार करने के लिए वो पहले से ज्यादा हड़बड़ाते नहीं है वो बड़ा ही धीमी गति से वो शिकार के लिए आगे निकलते हैं मौका जैसे मिलता है वो एक लंबी छलांग लगा देते हैं और वाकई में वहां पर अपना शिकार को जीत लेते हैं तो यहाँ पर मैं वही देख रहा हूँ एफसी मुर्मू ब्रदर पाकुड़ के पास और जी बिल्कुल यहाँ पर मैच दोनों टीम से कसरकश ये चलती दोनों टीम से एक दूसरी टीम को दबाव में लाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक भले गोल हुआ नहीं है लेकिन खेल दोनों टीम से बहुत ही अच्छा खेला है और रहा यहाँ पर बात गोल की तो हम अभी तक कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन अनुमान लग रहा है कि फर्स्ट हाफ का ज्यादा वक्त अभी नहीं काफी समय निकल गई है बहुत कुछ मिनट अभी से रह गया है ऐसे बचे हुए समय पर क्या फर्स्ट हाफ में गोल देकर के कौन सा टीम अपना टीम को मजबूती दे पाएंगे नेक्स्ट मैच के लिए मैं दोनों टीम के टीम मैनेजर को मैं अवगत कर दूं राज प्लस टू पाकुड़ वर्सेस फरक्का वेस्ट बंगाल दोनों टीम के मैनेजर आप कमिटी मंच में रिपोर्टिंग कर रहे हैं अगर रिपोर्टिंग किए नहीं है तो आप रिपोर्टिंग कर लें और अभी से अपने प्लेयर्स को आप रेडी रखेंगे अगला मैच के लिए यही यहाँ देखना होगा टूटा बटा होगा तेसार गति हम वापस रही हुआ अपना दुखित गति है राज प्लस टू पाकुड़ वर्सेस फरक्का वेस्ट बंगाल तो अगर बना टीम ने टीम मैनेजर भी यदि अगर रिपोर्टिंग का कहीं कभी टीम मंच रहे अगर वह कभी टीम मंच रहे जितना उसका अभी हुआ अगर रिपोर्टिंग बन और नीट को कि अगर प्लेयर्स को ऐसा ऐसा रेडी को बन एंड तो किना गाती जो दो सौ सुबह थी कि अगर कलर रहना अगला मैच होगी हुआ तुमने कोई मंगल अपना अनुमान चल का बुझे करना मच्छे राय करना बाबे तेरे चेक बस सरे का उनका कम समय ना उनका तो बुझे करना पहले ना तो ज्यादा समय बनवा मैं खत्म करना समय रचे गोल बजवा सब आग और जी बिल्कुल सुशील ना बड़ा जलखर देश इस हफ्ते अगर हम जलखर तो पहले बड़े बाबा को बड़ा दरिया बनाती जिला जब मैं बना टीम की जब जब पेनल्टी क्षेत्र है पेनल्टी बहुत समय बहुत चला रहा है कहीं ना कहीं अगला बना जरूर चला रहा है कहीं ना कहीं जब जब मतलब समय है जब तक अपने क्या भजिएगा वह करना मुश्किल है पेनल्टी बना के बना से भी बेहतर देख ली एक सुंदर खेल का प्रदर्शन करते हुए दोनों छोर के खिलाड़ी वाकई में एक सुंदर खेल को दिखाया है पहले सर में एक लंबा पास गेंद को सारा जोर था इसी बीच में एक बार सब को ट्राई करेंगे इसी बीच मौका हो सकता है लेकिन वहां से गोलकीपर और सुशील आप जिस प्रकार से आपने जिक्र किया था लेकिन उसी जिक्र का यहाँ आंसर जरूर आता क्योंकि किस प्रकार से अटेम्प्ट को सही तरीके से और बिल्कुल काफी दूर से ये लिया गया शॉट दो नंबर चला गया पावरफुल शॉट था कि मार्वल ये हो बा हाफ टाइम बाद गोलकीपर ने गेंद को इतना बारीकी से रीड किया है वहां और सीधे अपने सुरक्षित मतलब में लेकर के हर सब प्रयास को वहां पे निरस्त किया मार्वल जी का और यहां पर फर्स्ट हाफ का समय लगभग लगभग ये संपन्न हो चुकी है फर्स्ट हाफ के समय में अब तक का जो स्कोर लगभग है वो शून्य शून्य की बराबरी पर बना टीम के पहले हाफ में अंतिम पहुंच की गति ना थोड़ा थोड़ा गति चला रहा लेकिन थोड़ा अगर नतीब बोल यह लिखा है आक्रमण आरा मैच रह गया ना जस्ती आक्रमण इलाहाबाद टीम और वो ब्रदर ऊपर को आदत नहीं गया बनता है गोल को गोल लाइए ना मैं कहता हूं देखो उनका मुर्मू ब्रदर पाकुड़ को समय का मुर्मू को भी डबल ताकत लगाना होगा दो गुना प्रयास करना होगा और बचे हुए समय को खेलना होगा जितना भी इनको मौका मिले हर एक मौके को कम से कम गोल में भुनाने की इनको एक एक शॉट ट्राई करनी होगी तो निश्चित रूप से यहां पर मैच को कभी भी ये वापसी कर सकते हैं और इस समय पर वहां कलीन के लिए गेंद कलीन ने वहां से जब तक गेंद को क्रॉस करते उससे पहले गेंद आखिरी टच डिफेंडिंग टीम के द्वारा और
आखिरी टच होने के बाद गेंद अपने ही गोल लाइन से बाहर गई है। परिणाम यहां पर ओपोनेंट टीम को, इलाहाबाद टीम को मिल जाएगी एक कॉर्नर किक लेने का अवसर। लेकिन तेहिन मार्सेल अभी कम कॉर्नर को नेल करना, कॉर्नर शॉट वगैरह अभी कम नेल करना। ये तो हो मैच रहो नेल का सिनेमा मैच रहो अभी लंबा समय बाद में कॉर्नर को नेल ना खाली हसावा बेहतरीन शॉट मन का नसी ना उठे बॉल नियर पोस्ट ऑफ टारगेट रे चला ना थोड़ा गन डीप रे हेलन का है नोडे इलाहाबाद टीम अगला गोल लगी नोडे मौका को बना गया। तो मार्सेल समय अधिकार बिना ये थे नीत भी जहाना बबुल ले दरी है और बुन बनाई गया जब मीठे गोल जहान सुरक्षित गोल बांग का ना कोई दरी अनुने कोई मुर्मू ब्रदर टीम थोड़ा गन मैच रे इम्प्रूवमेंट को बुल का है वह मैच कभी भी नोडे कोई कुक गोल सुतरी है। जी हाँ जरूर जरूर गया नोडे सुशील ना इम्प्रूवमेंट की मरंग कथा करना तीन अभी आम बाम खुरु मुठिया है अभी वह मैच लेवल मुश्किल गया थे नोडे जल लिखा इलाहाबाद में ज्यादातर आक्रामक बिना ला एफसी इलाहाबाद पाकुड़ टीम और सेकंड हाफ प्रिया का तो 2:22 रे नोडे इमानुएल माय गोल का था हालांकि नोडे जल लिखा ताल में लोका तो बिना ना मूव का तो जल लिखा बोल रहा बना नोडे कलिन कलिन तो उन्हें समझ गति गति लिया जैक्सन और जैक्सन उन्हें पूर्व में कुरुमटो की था आरोनिया मेहनत ने उन्हें बॉल 6 yard बॉक्स अंदर ने उन्हें चितार के उछलो उठा देना को और इन्हें बाद उन्हें फोन बॉल जहां ने कहते 6 yard बॉक्स की उन्हें थोड़ा गन बाहर ना गोल कीपर को सकी जो ना और ने ये बार वेले तक ना हल्का सा उन्हें कली बॉल ठिका के आरोप पहला गोल ने फिर अपने लिखा नो मैं थे एफसी मुर्मू ब्रदर पाकू टीम वहां में स्लेबल लगे अभी जस्ती 83 तक जबकि पहला हाथ रहो उनका ना प्रभाव से उनका ना दबाव प्रेशर बको बिना था उनका था एफसी इलाहाबाद पाकुड़ टीम चितान रे आदमी तो कुछ टीम चितान लगे भी चांग गोल हुई किना तो बे नोडे खून अडी जस्ती प्रयास हुआ तो बे आने गिरवा मैच को लेवल है ते फ्लोट बॉडी बेहतर में फ्लोट करा मैच कान गोल रगे अडी कम हुई किना गोल लगे रुका था आक्रमण अडी कम हुई किना ये बीच रे कोना रेस कालिदास लगीते कालिदास उन्हें फोन इमारत में लगाती क्या बनते हैं बनकान सोनू कुमार खस्ता जोशन बन रहे गति कान खिलाड़ी एफ स्टील हबाद पाकू टीम से कोई भाई बैठे 15 नंबर है गति कान खिलाड़ी नवा नखर है बड़ी बेहतर रणनीति को बना कर थे क्या बनकान डे बड़ी जस्ती प्रभाव को बिना धने होता लिए बाद रे आपका मैच यो ना तो राज प्लस 2 पाकुड़ वर्सेस फरक्का वेस्ट बंगाल तलार बुनेला तेहिन को टूर्नामेंट या पहला दिन या तीसरा मैच लगे रेडी में धना राज प्लस 2 पाकुड़ और फरक्का वेस्ट बंगाल अभी तैयार हो जाएंगे सेकंड हाफ का मैच अब सफर कर रही है। अब आपका रिपोर्टिंग का टाइम है इसमें कोशिश कीजिए टेक्निकल एरिया में अपने बुलाने के लिए आप प्रयास करेंगे। नियत लाल के बॉल पोजीशन एफसी और वो ब्रदर पाकुर बैक पास ने फुल बैक लगी भाई भाई नरेश लगी ते बॉल ने उनको हाव करा ये पीछे हम देखो जर्सी नंबर 8 ने गति का खिलाड़ी और सटीक हेडर पर लगा था उधर ने भगवत प्रभु चले ऑफ साइड में हिसाब जी ना भगवत ढेकना आर बाई तेरे कौन तुरंत की डायरेक्ट प्रीकिक सांस हो गई थे बॉल पर जिस लिए था उन्हें कौन लास्ट से टीम मार्वेल वन सेकेंड टीम मार्वेल हैज टेकन द बॉल द प्लेयर हु मेड स्कोर फर्स्ट गोल इन वेरी सेकंड हाफ मैच व्हेन 3 मिनट वाज रेडी वन सेकंड सेकंड अटेम्प्ट गोलकीपर सफा वी मैनेज टू कंट्रोल द बॉल बट एट द एंड वन सेकंड नरेश जस्ट नंबर 2 टीम कैप्टन एफसी इलाहाबाद पाकुर इज फाइंडिंग अ स्पेस बॉल हैज बीन गिवन टू कलीन हस्ता बट दैट विल बी अ मिस once again Jackson just over 16 Jackson I remember in first goal there was a nice contribution from Jackson which I saw in this match once again just over 11 Ibarwell is finding a space to cross the ball but instead of passing ball in favor of Jackson gave the ball for Motilal just over 14 that will be a nice pass ball went direct to the goalkeeper of FC Murugu brother Pakur यहां से इस बार नरेश के लिए मौका
नरेश वहां पर गेंद को आगे बढ़ा दिए थे लेकिन उतना ही बेहतर वापसी हेडर करके इस बार ग्राउंड का सेंटर चैनल के आसपास में गेंद और वहां से एलोशन का एक बेहतर क्लियरेंस नरेश ने वहां से राइट विंगर के लिए खेल दिया है वहां कलिन हंसदा और यहां पर सुशील दामाए इस मैच में यह चीज मैंने देखा कलिन हंसदा को सेकंड हाफ का मैच में उतारा गया और जैसे ही उसको उतारा गया दो मिनट 22 सेकंड लगभग वो चल रहा था तीसरे मिनट वो चला अपने ऊपर थी और उन्हीं का असिस्ट साथ ही साथ वहां पर जैक्सन ने भी काफी प्रयास किया था बॉल को सजाने के लिए और इस तरीके से जो वहां पर प्रेशर बना विपक्षी टीम के ऊपर में और इमानुएल ने गोल दागा है तो यहां पर मैं समझता हूं इस एफसी इलाहाबाद काबू टीम के खालिद हंसदा ये एक बड़ा ही एक तरीके से आप कह सकते हैं लकी खिलाड़ी है अगर फर्स्ट हाफ का मैच में अगर इनको टीम के मैनेजर ग्राउंड पर उतारते शायद हो सकता था गोल एक जीरो का बढ़त इस मैच में और ये बिल्कुल मार्सेल मैंने पहले ही कहा जैसे ही इंस्टीट्यूट बेंच से ग्राउंड पर उतारा गया दूसरे हाफ में कलीन को मैंने शुरू में ही कहा कि जिस भी टीम से कलीन जाते हैं जिस भी टीम से कलीन को उतारा जाता है ग्राउंड पर पिच पर तो वो कुछ ना कुछ कारनामा जरूर करके दिखाते हैं या उस टीम के लिए लकी प्लेयर्स अक्सर साबित हुए हैं जब भी टीम में रहते हैं तो सबसे विश्वासी खिलाड़ी कलीन हंसदा रहते हैं उस टीम में तो कहीं ना कहीं इस मैच में जो पहला गोल लेके इनके असिस्ट में इतना बेहतर फिनिशिंग यहां पर इमानुएल का रहा और बिल्कुल लकी इसलिए साबित होंगे क्योंकि जैसे ही उनका दस्तक हुआ दूसरे हाफ में इलाहाबाद टीम ने एक गोल कंसीड कर लिया और देखना होगा अगला गोल क्या इलाहाबाद की टीम करेंगे या यहाँ पर हमारे मुर्मू ब्रदर पाकुड़ करेंगे इसी क्रम में वहां पर सात नंबर शॉट लिया सीधे फ्रेम की ओर लेकिन वहां पर अच्छा वापसी किया वहां पर हमारे एलोशन जो डिफेंस लाइन के एक मजबूत प्लेयर्स हैं एलोशन जी और इसी क्रम में गेंद पोजीशन इस बार इलाहाबाद के लिए पास बढ़ा दिया लेकिन ये ऑफ साइड के ट्रैक में फंस जाएंगे बहुत ही बारीकी से यहाँ पर डिसीजन लेते हुए हमारे एआरटू में किसान दत्ता सर एक बेहतरीन डिसीजन हमारे ऑफिशियल टीम्स का मैं पूरे ऑफिशियल टीम्स को और एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्य रेफरी अनिल प्रोड्यूसर जो साहेबगंज से हैं हमारे किसान दत्ता सर एआरटू में साथ ही साथ एआर1 में हमारे जंतुदास सर और साथ ही साथ हमारे जो ऑफिशियल मंच में जो हमारे रेफरी है उपेन सुरकार सर साथ ही साथ हमारे जग्गा मुर्मू सर और सुमन दास सर जो कि पहली बार इन दोनों रेफरियों से हम सबों का मुलाकात हुआ है इस ग्राउंड पर जो कोलकाता और जमताड़ा से चलकर और हमको लगता है कि हेलो ये ऑफसाइड का फ्लैग रेज हो चुका है और निश्चित रूप से इन दोनों रेफरियों को हम दिल से स्वागत करते हैं आज के इस टूर्नामेंट में क्योंकि शायद पाकुड़ क्षेत्र में या इस क्षेत्र में इनका पहली बार आगमन हुआ है इस ग्रुप से और सभी ऑफिशियल टीम्स का यहां पर डिसीजन अब तक का बहुत ही अच्छा रहा है अब केवल इसी ग्राउंड पर ही नहीं बल्कि जब जब इस क्षेत्र में बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं हर एक टूर्नामेंट में ये सारे रेफरी अपना योगदान दे चुके हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से पहले शुरुआती समय पर ही मैंने कहा कि रेफरी का बहुत बड़ा रोल होता है एक टूर्नामेंट को सफल करने में तो निश्चित रूप से अगर आप किसी भी जगह का टूर्नामेंट देखते हैं अगर वो फेमस होती है तो एक रेफरी ही वो होते हैं टूर्नामेंट को फेमस करवाने वाले अगर वहां का टूर्नामेंट सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं तो सभी कहते हैं कि वहां का टूर्नामेंट बहुत ही सुचारू ढंग से संपन्न हुआ बहुत ही अच्छा होता है उसका रोल रहता है वहां पर रेफरियों का वो श्रेय जाती है क्योंकि उन्होंने इतना सुचारू ढंग से टूर्नामेंट को संपन्न किया संचालित किया अगर किसी जगह का टूर्नामेंट आप देखते हैं वहां पर थोड़ा सा बगझक हो जाती है मैच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है जिसके कारण बहुत सारे लोगों का
बहुत सारा ऐसा कमेंट्स आता है कि वहां पर ऐसा हुआ वैसे हुआ, तो वहां का टूर्नामेंट जो है लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ वहां एक दूसरे बोलते हैं। लेकिन इसी क्रम में मैं देख रहा हूं प्लेयर्स में बदलाव की ये प्रक्रिया चल रही है और ऑफिशियल मंच के साथ इलाहाबाद टीम से एक नए प्लेयर्स को ग्राउंड पर उतारा जा रहा है। तो सरी कथा कदम बीते रेफरी को आपका रोल दहन कदम बीते टूर्नामेंट चला बनाओ लगी सफल लगी अति बड़ा रोल दहन ग्राम कुट है ऐसे आगो ओका कमिटेन बुन दहन कर आगो मा टूर्नामेंट बुन आयोजन दा मैं कारणों का पे दिन ना टूर्नामेंट में था मैं टोटल 15 गुटे मैच होना परम असाम दो बंग करना अड़ी मरांग कमी करना और जो तो खन लटू योगदान मीठे रोल तहन कर दो का मीठे टूर्नामेंट संपन्न और सफल बनाओ लगी थे मीठे रेफरी को और उनका ना रोल निभाओ के थे निश्चित रूप से रेफरी मीठे लटू कोई लटू टूर्नामेंट नुकु को सफल था और निश्चित रूप से ना इतने नुकु तीन बुन सराहो का इधर कोम ही हुआ ऐसे बेटा मैं मीठे प्लेयर्स जहां ना की चिकाई था बेटा मैं 22 गुटे का प्लेयर्स को जेलेप का बड़ा टीम कोई उनको पीआर रेफरी थे जज पुना आसान बात था लेकिन एनहो रेफरी को उन येलदा हर एक जगह रे उनका रोल दहन करना बखूबी तरीके से आपको आपका योगदान करना होना को एमदर और ये क्रम प्रभु नेले क्रम देखो कलीन थे बोल में ना कलीन उड़े कोई नासीना बैक पास उड़े नरेश लगी नरेसा अड़ी तगड़ा क्रॉस में थे उड़े अनु मुर्मू इन्हें की बेहतरीन तरीके से उन्हें बोले उड़ू का अगला बदलाव की तैयारी फोटो मंच के सामने मुर्मू ब्रदर पाकुड़ की ओर से जर्सी नंबर 16 आउट मुर्मू ब्रदर पाकुड़ जर्सी नंबर 16 आउट और इन अभी भी ऑप्शन है मुर्मू ब्रदर पाकुड़ के पास अगर आपको बदलाव करना है तो आप बदलाव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी आपके पास समय है सेकंड हाफ का। जब बेंच में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हो तो कम से कम बेंच में बैठे प्लेयर्सों को भी अवसर मिलना चाहिए ताकि अपने टीम को और ज्यादा मजबूती मिले प्लेयर्स के आने से और जो आपके पक्ष में आपके टीम के पक्ष में जो एक शून्य का दबाव है ओपोनेंट के द्वारा उसको आप वापसी कर सके तो एक अच्छा रणनीति है टीम के मैनेजर का भी। देखना होगा ये परिवर्तन टीम के लिए कितना ज्यादा कारगर सिद्ध होगा दोनों टीम्स के लिए दोनों टीम से बदलाव हुए हैं यहाँ पर और अगला मैच के लिए दोनों टीम्स के टीम मैनेजर राज प्लस टू पाकुड़ और फरक्का वेस्ट बंगाल आप अभी से आप तैयारी शुरू कर देंगे और ऐसा ऐसा अपने ऑफिशियल मंच के सामने टेक्निकल एरिया में लगभग आप लाने का प्रयास करें क्योंकि इस मैच के समाप्ति के तुरंत बाद ही आप दोनों के बीच में अगला मुकाबला होना है। जैक्सन और उन्हें कोई इबानवल चला रहे डिमोच ना कंबिनेशन चला करना लेकिन ये बीच में इबानवल ना बॉल बाय क्रॉस करी ना उनका समय रहा उन्हें सुनू ले लेकर उन्हें बैक पास गति की ना डिमोच प्रयास ये क्रम रहा उन्हें कोई प्ले उन्हें सारा हजुम कर गया मुर्मू ब्रदर पाकु टीम उन्हें कोई नासीना बैक पास उन्हें को गति का आठ नंबर लगी भगवत ने खुद दो से गति के दिया क्रॉस नहीं ना पाए उन्हें खुद क्रॉस है जुआ लेकिन सीधे उन्हें शॉट चला उन्हें पोस्ट है मिनखाई बॉल फ्लैग की जस्ती पावर उन्हें लगाव के कारण थे बॉल फ्रेम को चिदान दे चला उन्हें तो मार्शल अड़ी जोरा को लगावे कर गया उन्हें खुद मुर्मू ब्रदर टीम हो कम से कम ना दो साल हाथ ना शरीर का समय है जमोन बीटे उत्सर्ग में छा गोल करते नहीं कोई मैच को बराबरी उनका ना प्रमोटर को जलो करना मैंने कहा ये निये के जावन जो मुर्मू नजर पाकुट है कि कम से कम जितना की सूट पे लगाओ जब उन हर एक शॉट के प्रयास ये जरूर करना जब उन अपने फेम में लगा जहां कोई तो गोल ना उम्मीद उन्हें कोई जस्ती हुई दरिया से संभव ना जस्ती बना दरिया ऐसे तवड़ी सवड़ी सूट पे थे निश्चित रूप से आप यहाँ समय की नष्ट हुआ आने तो मिनी सेकेंड मिनी मिनट अपने को लगी अड़ी जस्ती दबना समय में ना से दबना समय हुई हुआ उन्हें इतने मिनी सेकेंड मिनी मिनट ना बहुत तो बुझाऊ तुलुई अबे मिनी घुटे मौका ना उनका फायदा करना उन्हें उठा लगी क्रूमटू के आप अंकन अपने उनका सफर करना क्वार्टर लगी से वहां मैच रे वापसी हजूर लगी उन्हें मुश्किल दिया मार्सल
जी हां मैं जरूर गया मैच में बदलाव हुई के तय लेखन उड़े एफसी मुर्मू ब्रदर पाकुर डी गोल को कायदा हटा गया नोडे सुशील दा मैच एक नोडे का तो भगवत मुर्मू 8 नंबर रे गति का खिलाड़ी और टी और बहुत सलाम लेकरन तही नो मैच रे गोल अट्टी बेहतर है पास दा गोल सजाव लगी अट्टी बेहतर है खेलत ना नडे हमें ये लेखन नानी दिस दंडे गोल जाम दा अट्टी बेहतर रिसीविंग करे जमीनी पास दा खेल में तीनों बेहतर गोल सजाव के दा आर नोवा कर के अनुभव खिलाड़ी औखा दो कवि आर नोवा सा सके ते गोल पोजीशन रे कौन कालीन हसदा कालीन हसदा जी स्टार खड़ी करे नडे ये बीच रे डायरेक्ट आक्रमण गोल पोस्ट गोलकीपर किस्तु किस्तु आदि आसान सा कलेक्शन नवा तलारे बैठे बैठे उन्हें फोन मुर्मू ब्रदर पाकुड़ तालमेल बिना और या को मुट्ठी दार उन्हें फोन तीनों कोई जगह ऑन टारगेट आक्रमण पे आक्रमण पे हैं ते शून्य एक टप्पे में ताइना फटल गया रहते मैच बराबरी लगी रटी जस्ती मेहनत हुआ हालांकि उन्हें ओपनर शॉट को लगा हुआ गया सगी को ये से लगभग उन्हें डी बॉक्स से बाहर एक उन्होंने शॉट को लगा लेता एफसी मुर्मू ब्रदर पाकुड़ ऑन टारगेट शॉट हमारा मान लगा उन्हें जस्ती ऑफ टारगेट शॉट ही गया था ये पिछले ऑफ साइड यार टू एंड सहायक रेफरी आप फ्लैग हमारे देखो ऑफ साइड या गोल हो जो आ रहा है पिछला मुख्य रेफरी सुनील टुडू सर सुनील टुडू सर ये सही होना आपका तो मैच मिला 40 प्लस वो मां की जगह अनिल टुडू सर क्षमा चाहूंगा कल जो मैच हुआ था चांद भैरव क्लब नूरुली जो पतना प्रखंड के अंतर्गत जो वहाँ एक गांव है वहाँ 40 प्लस का टूर्नामेंट वहाँ पर चल रही है आज वहाँ पर फाइनल है कल मैं याद करता हूँ वहाँ भी मैं शरीक हुआ था एक कमेंटेटर के अनिल टुडू सर को मैंने देखा था वहाँ बोरियो टीम से वो योगदान दिए थे और मैच में गोल नहीं हो पाई थी लेकिन टाइब्रेकर में अनिल टुडू सर ने क्या कमाल का वहाँ पर गोलकीपिंग किया था तीन पेनाल्टी शूट आउट को ब्लॉक किया लेकिन उसके जो साथी खिलाड़ी थे गोल नहीं कर पाए थे ऐसे में टूर्नामेंट से उनको बाहर होना पड़ा था तो मैं याद करता हूँ ये एक रेफरी भी उतना ही विख्यात रेफरी है साथ ही साथ एक 40 प्लस का अगर आप करें अभी भी वो एक विख्यात खिलाड़ी है यहाँ से मौका बन सकता था और एक कोच भी है तो यहाँ पर अनिल टुडू सर को आप जितना तारीफ करें संथाल परगना के अंतर्गत अगर हम संथालों में सबसे बेहतर जो रेफरी का वो योगदान दे रहे हैं यहां से शॉट लेंगे लेकिन गोलकीपर वहां इस बार कोई गलती नहीं किया सिकंदर हंसता है गोलकीपर एफसी इलाहाबाद पाकुड़ टीम से और यहां पर सुशील का ऐसे ही आक्रमण तो चाहिए यहां पर एफसी मुर्मू ब्रदर पाकुड़ टीम के लिए क्योंकि अगर आप देखें तो ये सेकेंड हाफ का समय धीरे धीरे अंतिम चरण की तरफ प्रस्थान कर रही है तो यहाँ से जैसे भी हो आप मौका ढूंढिए और आक्रमण कीजिए ऑन टारगेट पर तभी आप इस मैच को लेबल कर पाएंगे क्योंकि आपकी अपोनेंट टीम एफसी इलाहाबाद पाकुड़ ये काफी मजबूत टीम है और उसी का रिजल्ट है जो कि 1-0 का बढ़त यहाँ पर सेकंड गोल के लिए जैक्सन को मौका मिल गया है लेकिन जैक्सन वहां बॉल को सही जगह पे प्रेस नहीं कर पाए सही शूट नहीं लगा पाए और ऐसे में बॉल दिशाहीन गोल लाइन से बाहर यहां से सुशील दा मैं देख रहा था मैच रहे 2 मिनट का तो इंजरी टाइम को एड कर रहे हैं ऑफिशियल टीम वहाँ 2 मिनट अंदर है जो भी मीटर गोल ही बंद है तो फिर उन्हें एफसी मुर्गो ब्रदर पाकुड़ टीम को बड़ा नोट चाहे बेकर रहे तो वो रखा बॉम्बे कर लिया पिछले डेको बॉल पोजीशन में जाम करा इलाहाबाद पाकुड़ टीम और उन्हें कोई चुनौती है नहीं जस्ती मुर्गो ब्रदर पाकुड़ पर है इतने समय नोटे उनका निर्धारित है खास करके मात्र 2 मिनट हो अडिगान से के नोटे कोई उड़ोगी दी ना तो नुकसान समय रहे अड़ी जस्ती को कुछ प्रेशर बना चुनौती बना और वह चुनौती उनका नुकसान बना समाज रहे चेंज बना गोल रे बदल करते मैच को इक्वल करिए खाना से बम बदल चला ये खबर के उड़े पे 15 नंबर डीप रे गति ना खूब प्रयास में का उड़े एडोशन बॉल पोजीशन तो भाई तो जहां लगते हैं उड़े कोई उड़ा बॉल उड़ना क्रम टू बड़े कपाई कंपटीशन में एडोशन और मोतीलाल तलारा
अटवा मैच में बड़ी हद तक वही थे उन्होंने खेले को इलाहाबाद टीम का कड़क को मजबूत किया और उन्होंने गेंदा जो मीठे गोल की नुकुल की महंगा साबित रहा बैन खान पूछो तो समय रहे इंजरी टैप रहे चेनो देखो अगला गोल है दरिया से बाप इमानुएल क्या अगला गोल कंसीड करेंगे इस मैच में रिकॉर्ड क्या बनाएंगे इमानुएल लेकिन जी नहीं उड़ी में तो मोस्टिंग गोल कार की इमानुएल ने कहा कि बढ़िया से गोल करते हैं अन्यथा आराम से पहले ही फिनिश करके गेंद को जो है गोल में कन्वर्ट कर सकते थे और अपने खाते में दूसरा गोल जोड़ सकते थे तो भी बंदा आराम से पहुंचते चले यहाँ अच्छा होड़ का नाम था ऐसे तो विदेश रंग खिलाड़ी का था तो अड़ी पोसला जली ये की दिया समग्र रंग खिलाड़ी तो है का ना तो भी पहुंचते चले यार इन गोल अमन खान बांग अड़ी मुश्किल उन्हें पड़ाव दिया और उका गुगुल लगी उका मीठे बेहतर हो तो यहाँ बोले हाँ कोई तो गोल कहते दूसरा गोल ना उका रिकॉर्ड कराना है बनाओ किया तो देखो यार खास करके बीते मरांग रिकॉर्ड बनाओ का मार्सल खास करके बीते इंजरी टाइम रे नो इतिहीन गोगोली पहल खड़े बनाओ का तो देखो ये इमानवेल लेकिन इन बच्चों का बहुत तो गोल लेन खाई बहुत तो विनिंग गोल साबित हुआ लेकिन तो देखो थोड़ा कहीं जी यहाँ आगे हुआ और बुझो का नाम मैच पर था भाई भाई थे अंतिम चरण से मेनखान कल समय आर्मी दो मौका असिस्ट कर गया डिमोज लेकिन आयरन सहयोगी खिलाड़ी उन्होंने गोल बाय फिनिश करी था 15 नंबर ये सांस हो गई थी कि मैच समाप्त है फुल टाइम विसिल साड़ी ना मुख्य रेफरी भारत का बेटा कोई पहले टू डू सर और वह मैच दो एफसी इलाहाबाद टीम बी गोल थे जीते हुए थे नुकु दो क्वार्टर राउंड रहती लगी जगह को सुनिश्चित के तक हुआ और थोड़ा सा पछतावा जरूर हुआ यहाँ पर